सौ दिन का कमाल, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह हुई बेहाल। उत्तर प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है? 100 दिन में उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव, गरीब पूरी तरह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा का पेपर आउट होता है, नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा, नहीं तो और क्या है। जो पत्रकार इस मुद्दे को उठाते हैं उनको जेल की सलाखों में जाना पड़ता है। 100 दिन की सरकार की उपलब्धि यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान 1.5 साल से अपने आरक्षण की मांग को लेकर संघर्षरत है। दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती, सिंचाई विभाग की भर्ती, बिजली विभाग की भर्ती, सारी भर्तियों के जो भी परीक्षा होते हैं उसके पेपर आउट होते हैं। या तो नौजवान कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, नहीं तो इको गार्डन में आज तक आंदोलन कर रहा है। इस सरकार ने 100 दिन में उन नौजवानों की सुधि तक नहीं। महंगा दंगा, पुलिस कस्टडियल मौत, पिछले दिनों अयोध्या में हत्या, कानपुर में एक नौजवान का अपहरण करके हत्या, इतना ही नहीं आगरा में स्वर्ण व्यवसायी की गला काट कर हत्या, और 6 तारीख को जयराम वर्मा की निर्मम हत्या, गला काट कर इसी कुशीनगर जनपद के फाजी नगर के नारायणपुर कोठी में। क्या प्रमाण है? लूट, हत्या, डकैती इस प्रदेश की पहचान बनी हुई है। खाद, बिजली, पानी सबके दाम बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, लेकिन किसानों के फसल का दाम नहीं बढ़ा। क्या धान के केंद्रों पर धान खरीद हुई? क्या गेहूं के केंद्रों पर गेहूं खरीद हुई? मैं समझता हूं गन्ना किसानों का 8,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। बुंदेलखंड में रोज आत्महत्याओं का दौर जारी है, अन्य जानवरों से पूरा प्रदेश परेशान है। सरकार ने 100 दिन में के लिए उनके लिए कोई काम कार्य योजना बनाई? नहीं बनाई। ये सरकार केवल ब्रांडिंग की है, पोस्टर की है, प्रचार की है। यूपी में ना नौकरी है, ना रोजगार है, महिला सुरक्षा वो नगर नगर तार तार है, गैस सिलेंडर वो हजार के पार है, और भारतीय जनता पार्टी वो केवल केवल आंकड़ों की जादूगरी करना जानती है, आंकड़े पेश करना जानती है। हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द वापस आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है।